हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्रिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 102 मैंने यहाँ पे नोट कर रखा है। बोला गया ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट एंगल एट ए, देन द वैल्यू ऑफ टेन बी एंड टेन सी। टेन बी इंटू टेन सी की वैल्यू किसके इक्वल होगी हमें बतानी है। तो देखो, कोई राइट एंगल है, मान लो मेरा ये राइट एंगल है, जिस पर राइट एंगल किसे बना हुआ है, ए पे बना हुआ है। तो इसका मतलब बी यहाँ होगा और सी मेरा यहाँ होगा, ठीक है। अब यहाँ पर टेन बी की वैल्यू मेरे से पूछी गई है, तो इसका मतलब ये होगा जो मेरा एंगल है वो हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच में होना चाहिए। बेस और इसके बीच में बनना है टेन बी। अब टेन थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर कोण में बेस। तो इसमें परपेंडिकुलर कोण होगा मेरा ए सी जो 90 डिग्री पर होता है, और बेस बेस मेरा कितना होगा ए बी। ये तो टेन बी की वैल्यू आ गई। अब मुझे चाहिए टेन सी की वैल्यू। अब टेन सी के लिए मैंने क्या बोला, जो मेरा एंगल है वो बेस और हाइपोटेन्यूज के इक्वल होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। तो मैंने इसी डायग्राम को रोटेट करके बना दिया, यानी जो सी ऊपर है उसको मैंने बेस पे ले आया। ए मेरा यहीं पर रहेगा, बी मेरा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला वही रहेगा पी अपॉन में बी। फ़र्क क्या पड़ेगा, जो मेरा पहले परपेंडिकुलर था वो मेरा बेस बन गया। देखो ध्यान से, जो सी ऊपर था वो मेरा कहाँ के नीचे आ गया। तो अब इस सिचुएशन में परपेंडिकुलर मेरा कौन रहेगा, ए बी, एंड बेस बेस मेरा कौन होगा, ए सी। अब हमसे पूछा है टेन बी इंटू टेन सी, ये कितना है ए सी अपॉन ए बी। टेन सी कितना है ए बी अपॉन ए सी। तो ए सी कैंसिल हो गया, ए सी कैंसिल हो गया, मेरा आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 102 यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 103। पहले मैं उसे नोट कर देता हूँ। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 103 मैंने यहाँ पे नोट कर लिया। बोला गया है इफ़ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट 3, देन द प्रूफ दैट टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू किसकी होगी, 1 की होगी, ठीक है। तो जो मेरे पास गिवन है पहले हम उसे प्रूफ करते हैं। हमारे पास गिवन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3। तो इसे प्रूफ करने के लिए मैंने कर दिया स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ठीक। इसके अंदर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इस पूरे पे क्या लग गया, स्क्वेयर। अंडर रूट 3 पे भी क्या लग गया, स्क्वेयर। अब इसमें हम फॉर्मूला ओपन करेंगे। फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस 2ab। ए की जगह साइन, स्क्वेयर लगा तो स्क्वेयर लगा दिया, बी बी की जगह कॉस, स्क्वेयर लगा तो स्क्वेयर लगा दिया प्लस 2ab। ए कितना साइन थीटा, बी कितना कॉस थीटा, अंडर रूट से अंडर रूट कट गया, कितना आया 3 आया। साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा, ये मेरा फॉर्मूला होता है और इसकी वैल्यू बराबर होती है 1 के। इसकी जगह रखा मैंने 1 2, साइन थीटा एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू 3, प्लस का 1 ट्रांसपोज करके मैं दूसरी तरफ ले जाऊँगा, साइन थीटा कॉस थीटा, 3 माइनस 1 2, साइन थीटा एंड कॉस थीटा किसके बराबर आया, 2 के। मल्टीप्लाई में 2 था, ये किस में आ जाएगा, डिवाइड में, 2 डिवाइड बाय 2, साइन थीटा एंड कॉस थीटा किसके बराबर आ गया, 1 के। लेकिन मेरा आंसर तो अभी मैच ही नहीं हुआ, यहाँ तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा आ रहा है, ठीक है, आंसर मेरा अभी तक मैच नहीं हुआ। देखो इसके नीचे कुछ भी नहीं, हम क्या मान लेंगे, 1। हमें मालूम है, मैं मैंशन कर देता हूँ कि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इक्वल होते हैं किसके, 1 के इक्वल होते हैं ये, ठीक है। इस वाले 1 के नहीं, हम इस वाले 1 की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। डिवाइड में कुछ नहीं होता तो नीचे कुछ नहीं होता, डिवाइड में 1 एंड साथ में कुछ नहीं होता तो मल्टीप्लाई में 1, ठीक है। जिसके ऊपर नीचे 1 1 मानने से फ़र्क नहीं पड़ता। अब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मैंने 1 की जगह पर क्या यूज़ कर लिया, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा। अब देखो कुछ भी नहीं था तो क्या मान लेंगे, 1। अब ये 1 को तो यहीं रहने दो, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा, दोनों मल्टीप्लाई में किस में आ गए, डिवाइड में, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। इसके आगे का सॉल्यूशन मैं अगले पेज पे कर देता हूँ। तो यहाँ मेरा चल रहा है 1, यहाँ हो गया साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा अपॉन में साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ये मेरा क्वेश्चन हो गया था, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम याद कर दिया था। इसके आगे के जो सॉल्यूशन है वो कुछ इस तरीके से होगा, साइन स्क्वेयर थीटा
मैंने इसको अलग अलग कर दिया, साइन थीटा एंड कॉस थीटा, इसको अलग कर दिया, कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा इनको अलग कर दिया। करने के बाद ऊपर स्क्वायर है नीचे नॉर्मल कट गया, साइन अपॉन में कॉस कितना होता है टेन थीटा, ऊपर दो है नीचे का कट गया, कॉस अपॉन में साइन कितना होता है कॉट थीटा, तो यानी कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा किसके बराबर आएगा वन की, यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 104। तो पहले मैं उस क्वेश्चन को यहाँ पे नोट कर देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 104 मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है, बोला गया इफ़ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू एम एंड सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एन, प्रूफ करना है एन ब्रैकेट एम स्क्वेयर माइनस वन इज इक्वल टू टू एम, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो जो टू प्रूफ करना है पहले मैं उसको मैंशन कर देता हूँ यहाँ पे। टू प्रूफ देखो एन आ रहा है, एन की वैल्यू मेरे पास कितनी, ये रही सेक थीटा ब्रैकेट सॉरी सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा ब्रैकेट एम, एम कितना मेरा ये रहा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इस पर स्क्वायर है स्क्वायर आ गया माइनस का वन ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू टू एम, एम की वैल्यू मेरी कितनी है ये रही साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो यानी कि मुझे लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके या तो राइट हैंड साइड को मैच करवाना है, या राइट हैंड साइड को सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड को मैच करवाना है, या फिर कुछ इसको सॉल्व करना कुछ इसको सॉल्व करना, दोनों को मैच करवा देना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो थोड़े फॉर्मूले यूज़ होने वाले हैं उन फॉर्मूलों को मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। हमें पता है सेक थीटा का फॉर्मूला होता है वन अपॉन में कॉस थीटा, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है वन अपॉन में साइन थीटा, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इक्वल टू होता है वन के, ये कुछ फॉर्मूले हैं जो इसमें यूज़ होंगे, और थोड़े बहुत फॉर्मूले अगर यूज़ होंगे तो मैं आगे मेंशन कर दूंगा। अभी तो फिलहाल इनके अंदर ये वाले फॉर्मूले यूज़ होने वाले हैं। कैसे यूज़ होंगे देखो मैं दिखाता हूँ। पूरी लेफ्ट हैंड साइड को साइन कॉस में खोल दो, ठीक है, जहाँ तक मोस्टली क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व होते हैं, जो भी क्वेश्चन हो उसको साइन कॉस की फॉर्म में खोल दिया जाए। सेक का फॉर्मूला वन अपॉन में कॉस थीटा, मैंने लेफ्ट हैंड साइड को चूज़ किया है, ठीक है, प्लस कॉसेक का फॉर्मूला वन अपॉन में साइन थीटा, इनका हिसाब अलग हो गया। अब इनके अंदर फॉर्मूला ओपन करेंगे, कौन सा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी यानी साइन थीटा एंड कॉस थीटा माइनस में वन, ये आ गया मेरा। आने के बाद दोनों का एलसीएम लिया, कितना है साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अब या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो या एलसीएम लेके आप सॉल्व करें तो वैसे कर सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई किया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये हो गया। होने के बाद इन दोनों का सम किसके इक्वल होता है वन के, तो यहाँ रख दिया मैंने वन टू साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का वन, इस वन से वाला वन कैंसिल हो गया, कितना बचा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू में टू साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, इससे कैंसिल हो गया, कितना बचा मेरा टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। और देखो जरा यही हमें आंसर लेके आना था टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये मेरी आ गई राइट हैंड साइड। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय बाय, थैंक यू।